नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सिर्फ एक बात बोलूंगा, आज की लॉन्ग टर्म वीडियो इस चैनल की सबसे बिगेस्ट पावरफुल वीडियो होगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे उन पांच जबरदस्त बोखाल कॉइंस के बारे में बताने जा रहा हूं जो 2024 में कम से कम आसानी से बनाने की क्षमता रखते हैं। और तो और मैं आपको क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन की ऐसी ऐसी यूनिक बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपने आज तक अपने क्रिप्टो लाइफ में नहीं सुनी होगी, नहीं सोची होगी। अब आगे आपकी मर्जी है। याद रखना, जो व्यक्ति इस वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा वही क्रिप्टो का असली किंग होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम ट्विटर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें फ्री में ज्वाइन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बात स्टार्ट करते हैं यहां से। मेरे भाई, 2024 में आज का वीडियो सबसे बेहतरीन पावरफुल वीडियो होगा क्योंकि इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। याद रखना, यदि पहला पार्ट 100% पावरफुल होगा तो सेकंड पार्ट 200% पावरफुल होने वाला है। मतलब यह है कि आपको 0% भी दम नहीं तोड़ना है, लास्ट तक बने रहना है। तो हम बात स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। और वो क्या मेरे भाई, 2024 क्रिप्टो मार्केट के अंदर दो जबरदस्त इवेंट हमारे सामने, जिसमें पहला बिटकॉइन की फोर्थ होल्विंग जो कि 23 अप्रैल 2024 को होने वाली है। और मेरे भाई, इस होल्विंग के बाद में यहां पर बिटकॉइन का सेकंड बिगेस्ट पावरफुल बुल रन 200% स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री डाटा। अब मेरे भाई, यहां पर जो दूसरा इवेंट है जो कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ का, वो कंप्लीट हो चुका है और बिटकॉइन ने एक बार करके दिखाया है कि मैं किंग था, हूं, रहूंगा। और यहां पर ईटीएफ अप्रूव कर दिया गया है। अब मेरे भाई, इस ईटीएफ को अप्रूव होते ही ब्लैक रॉक के एक्स डायरेक्टर ने कहा है कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर $200 बिलियन से ज्यादा मनी आ सकता है। अब मेरे भाई, यहां पर इस बात का और इस बात का एक साथ कितना जबरदस्त पावरफुल नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट आता है, उस बात को हम यहां से समझते हैं। मेरे भाई, ईटीएफ यहां पर कंप्लीट हो गया लेकिन होल्डिंग बाकी है। अगर इन दोनों का इंपैक्ट हम एक साथ 2024 और 2025 के बीच तक या एंड तक पूरे क्रिप्टो मार्केट में देखते हैं तो वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। यहां पर इस टाइम पीरियड के अंदर क्रिप्टो मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर सबसे पहले आ सकता है बिटकॉइन में। अब यदि बिटकॉइन के अंदर यहां पर इतना मनी आता है तो मेरे भाई, यहां रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, मिनिमम यहां पर फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड के अंदर बिटकॉइन 5x to 6x होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात, मैक्सिमम यदि मैं टारगेट लेकर चलता हूं तो इसका मुझे कोई अंदाज नहीं है क्योंकि मेरे भाई, बिटकॉइन की अभी स्टार्टिंग हुई है। यहां पर ETF अप्रूव होने के बाद में एक नई दुनिया हमारे को बिटकॉइन की देखने को मिल रही है। यहां पर यह 8x होगा, 10x होगा, 12x होगा, इसका मैं अंदाज भी नहीं लगा सकता क्योंकि इतना पावर बिटकॉइन रखता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक सबसे भयंकर सवाल दिमाग में उठकर यह आता है कि यदि 2024 के अंदर बिटकॉइन का यह हाल होने वाला है तो ऐसे में ओल्ड कॉइंस के अंदर क्या तगड़ा तूफान आ सकता है। और उसमें भी सबसे बड़ा एक और सवाल यह उठेगा कि जो लो कैप के कॉइंस है, छोटे छोटे मार्केट कैप के कॉइंस है, उनके अंदर क्या हो सकता है। तो मेरे भाई, बने रहिए क्योंकि मैं आज इसी बात का जवाब उस बिगेस्ट लेवल के साथ देने वाला हूं जो कि आपको 2024 के अंदर बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन मैं उन्हें टॉप 5 छोटे छोटे मार्केट कैप के कॉइंस के बारे में बताऊं, उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के सेकेंड सबसे सुपर पावर फुल पार्ट को लेकर। और यह जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। वो क्या फ्रेंड्स, इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो iOS ऐप स्टोर है, वहां से आप सभी को पता है पिछले कुछ दिनों के अंदर जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है टॉप के, फ्रेंड्स उनको या तो रिमूव कर दिया गया है या फिर बैन कर दिया गया है। लेकिन यही पर बात रुकती नहीं है क्योंकि जो मैक्सिमम लोग है वो एंड्रॉइड के अंदर फ्रेंड्स इन सारे इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऐप को यूज करते हैं। तो यहां पर जो एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर यह एप्स देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स, हो सकता है कि गवर्नमेंट आगे चलकर इन पर भी ऐसा एक्शन ले। लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच में अभी भी कुछ इंटरनेशनल एक्शन
एक्सचेंज है जो कि सेफ है और इंडिया में चल रहे हैं, ना तो इनको यहां से रिमूव किया गया है और यहां पर तो किसी को भी रिमूव नहीं किया गया है, जिसमें एक है OKX, दूसरा है Bybit। दोस्तों मैंने मेरे इस YouTube चैनल पर आज तक सिर्फ एक एक्सचेंज के बारे में बताया था और वो अभी तक भी काम कर रहा है, वो कौन है? Bybit। लेकिन अब दोस्तों अगर आपका फंड इस एक्सचेंज पर है तो भी, इस एक्सचेंज पर है तो भी, या फिर जो रिमूव कर दिए गए इनमें से किसी भी एक्सचेंज पर है, तो ऐसे में अब मैं आपको जो जो बात बताने जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनने के बाद में अभी की अभी एक जरूरत सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो क्या? देखिए जो मेरा क्रिप्टो का फंड था वो फ्रेंड्स आप सभी को पता है पहले दो जगह था, जिसमें से 50% फंड बायनेंस और अदर एक्सचेंज पर रखा हुआ था, मैंने आपको कई बार जानकारी भी दी थी, और 50% फंड जब मैंने आपको इसके बारे में पहली बार बताया था तब फ्रेंड्स मैंने Bybit पर डिपॉजिट कर लिया था, और मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से Bybit पर ही ट्रेड कर रहा हूं और आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन यहां पर मैंने एक बहुत बड़ी चीज बदल दी है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे क्रिप्टो के फंड को सेफ करने के लिए। वो क्या फ्रेंड्स? अब मेरा जो फंड है क्रिप्टो का वो मैं सिर्फ दो एक्सचेंज के ऊपर होल्ड करता हूं, जिसमें से 50% अमाउंट वही सेम Bybit पर जो पहले था वो अभी भी है, लेकिन ये जो 50% फंड अमाउंट था उसको मैंने एक साथ उठाकर एक नए और एक सबसे बेहतरीन एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट कर दिया है, और इस एक्सचेंज का नाम है कॉइन कॉल एक्सचेंज। अब जैसे मैंने ये बात बोली होगी कुछ लोग तो नेगेटिव सोच रहे होंगे, लेकिन एक बार लास्ट तक मेरी बात को ध्यान से पहले सुन लीजिए। वो क्या दोस्तों? ये जो कॉइन कॉल एक्सचेंज है मैं इसको पिछले दो महीने से लगातार यूज कर रहा हूं, और जब मुझे लग रहा है कि यह बहुत परफेक्ट एक्सचेंज है, आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत तगड़े लेवल पर यह आगे जा सकता है, तब मैं आज आप सभी को इसके बारे में बता रहा हूं। Bybit के बारे में बताया था, रिजल्ट क्या है वो आप सभी को अभी भी पता चल रहा होगा। देखिए इस कॉइन कॉल एक्सचेंज का जो फ्रेंड्स यहां पर इंटरफेस है वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर फ्रेंड्स फ्यूचर्स, नॉन लिक्विडेशन फ्यूचर्स, स्पॉट और ऑप्शन ट्रेडिंग के चार ऑप्शन है, और अब यही कॉइन कॉल एक्सचेंज मेरा बिग फेवरेट एक्सचेंज होगा। इसका जवाब भी देना चाहूंगा कि क्यों। सुनिए, कॉइन कॉल एक्सचेंज सुपर पॉइंट्स, सबसे पहली बात, जीरो स्पॉट ट्रेडिंग फीस है इस एक्सचेंज के ऊपर, और जबकि फ्रेंड्स अदर इंटरनेशनल एक्सचेंज बात करें तो वहां पर स्पॉट में जो ट्रेडिंग फीस है वो बहुत बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, नो केवाईसी। मेरे भाई यहां पर आप जिन भी एक्सचेंज को अभी तक यूज करते आए हैं उन सभी पर केवाईसी करना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहां पर फ्रेंड्स कोई आवश्यक नहीं है कि आप केवाईसी करें। जब आप केवाईसी करते हैं जिनके ऊपर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं वहां पर फ्रेंड्स आपके डाटा की एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वही फ्रेंड्स अगर तीसरे पॉइंट को लेकर बात करें तो 100% यहां पर जो भी फंड आपका होगा वो सेफ होगा, क्योंकि यह एक थर्ड पार्टी से भी कनेक्टेड होता है। इसी कॉइन कॉल एक्सचेंज का सबसे बिगेस्ट पॉइंट जो मुझे लग रहा है वो यह है कि 2024 में यह एक्सचेंज टॉप एक्सचेंज बन सकता है। इसके पीछे के कुछ रीजन सुनिए फ्रेंड्स। इसका जो सीईओ है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, एक एक्सचेंज को कैसे चलाया जाता है और उसी एक्सचेंज को टॉप के ऊपर कैसे लाया जाता है, हाईली एक्सपीरियंस्ड टीम है इनके पास में, जो कि अदर बहुत बड़े बड़े टॉप के एक्सचेंज के ऊपर पहले काम किया करती थी लेकिन आज यहां पर काम कर रही है। याद रखना आज मैं आपको यहां पर इस एक्सचेंज के बारे में बता रहा हूं, लेकिन आप बहुत जल्दी यह देखेंगे कि इस एक्सचेंज के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग यह एक्सचेंज टॉप 5 की कैटेगरी के अंदर बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। अब यहां पर फ्रेंड्स अगर हम समय से बहुत पहले इस एक्सचेंज के बारे में जान रहे हैं तो यहां पर हमारे को एक जबरदस्त पॉइंट और जानना चाहिए। वो क्या? इस एक्सचेंज का अभी तक खुद का कोई नेटिव कॉइन नहीं आया है, और मेरे भाई यदि यहां पर आप पहले से इसको यूज कर रहे हैं तो ऐसे में सोच कर देखिए कि आपको जब इसका कॉइन आएगा तो वहां पर रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। अभी बात खत्म नहीं हुई है, हमने जो भी इतनी बातें जानी है इन सभी का एक साथ सुपर पावरफुल रिजल्ट आता है। वो क्या? यदि आपको क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग का बेस्ट एक्सचेंज अपने पास रखना चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग 2024 का सबसे टॉप एक्सचेंज कॉइन कॉल एक्सचेंज हो सकता है आप सभी के लिए। तो मेरे भाई ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि एक अच्छी चीज सही समय पर हाथ लगी है, तो जल्दी से आप अकाउंट बना लीजिए। आपको इस एक्सचेंज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और फ्रेंड्स यहां पर आप अपने फंड को दो या तीन मिनिमम जगह ट्रांसफर करके रखें, एक ही एक्सचेंज पर पूरा फंड नहीं रखना है। मैंने आपको बताया कि मैंने मेरे फंड को दो जगह रखा हुआ है, जिसमें 50% यहां पर कॉइन कॉल पर मैं लेकर आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर आप अकाउंट बनाकर डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि यदि मैं इस एक्सचेंज पर सबसे पहले आता हूं, अकाउंट बनाता हूं, डिपॉजिट करता हूं, तो मुझे कुछ पहले मिलना भी तो चाहिए। तो मेरे भाई टेंशन ना लीजिए, क्योंकि यहां पर 2 डेज का एक सुपर बोनस भी है। वो क्या?
यदि आप यहां पर सबसे पहले आकर अकाउंट बनाते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसी से, तो फ्रेंड्स ऐसे में यहां पर अकाउंट बनाने के बाद में $100 का यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको यहां पर $10 बोनस के रूप में मिलेगा, जिसको आप आराम से सीधा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन लेकिन यदि फ्रेंड्स आप यहां पर आकर ट्रेडिंग के माध्यम से $100 का वॉल्यूम अगले 7 दिन में जनरेट करते हैं तो ऐसे में आपको फिर से $100 मिलेगा, और इस $100 को और इस $10 को भी आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप समय से पहले आ रहे हैं तो फिर से आपको एक और बोनस मिलेगा, वो क्या? एडिशनल फ्यूचर्स बोनस, कॉइन कॉल टोकन क्रेडिट। मेरे भाई, मैंने आपको बताया इस एक्सचेंज का अभी कोई भी टोकन नहीं आया है, तो मेरे भाई यदि यहां पर आप आकर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको फ्यूचर्स में यूएसडीटी मिलता रहेगा बोनस के तौर पर, आप उससे यहां पर ट्रेड करके प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपको यहां क्रेडिट के तौर पर कुछ चीजें मिलती रहेगी, जैसे यहां पर इनका कोई टोकन आता है तो फ्रेंड्स आपको वहां पर भी एक तगड़ा मुनाफा होने वाला है। याद रखना कि मैं दिग्विजय यहां इस एक्सचेंज पर लाइव ट्रेडिंग जल्दी ही स्टार्ट करूंगा, तो यहां पर जितने भी मेरे दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उनके पास तो कम से कम कॉइन कॉल एक्सचेंज होना चाहिए। एक बार आप यूज करके जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे भाई बहुत स्मूथ चलता है, एकदम आपको टॉप लेवल के एक्सचेंज की फीलिंग्स आने वाली है। तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले आए हैं तो एक्सचेंज भी पहले लीजिए और मजा भी पहले लीजिए। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट को लेकर, और वो क्या मेरे भाई? अकॉर्डिंग टू बुल साइकिल, यहां पर जो रुपया है सबसे पहले बिटकॉइन में आता है, उसके बाद में फ्रेंड्स ओल्ड कॉइन्स में जाता है। अब ओल्ड कॉइन्स में जब रुपया जाता है तो फ्रेंड्स यहां पर 3 प्रकार की चीजें होती है, जिसमें पहली क्या लार्ज कैप, दूसरी क्या मिड कैप, तीसरी क्या लो कैप। अब मेरे भाई एक बार दिल से सोच कर देखिए कि इस लार्ज कैप के अंदर हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए इथेरियम का, इथेरियम में 2024 के अंदर बहुत दबाकर रुपया आया तो ये कितना ज्यादा पंप कर सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 8x, 10x, 12x, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। अगर मैं मिड कैप के कॉइंस की बात करता हूं तो मेरे भाई तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 10x हो सकता है कोई, या 15x हो सकता है, या 25x हो सकता है। लेकिन लेकिन इस 2024-25 के बुल मार्केट में जो दबाकर पैसा बनेगा वो फ्रेंड्स इन लो कैप के कॉइंस में बनेगा, और वो कितना, 30x भी बन सकता है, 50x भी बन सकता है, 100x भी बन सकता है। अब आप में से बहुत सारे दोस्त बोलेंगे ये क्या हलवा है, ऐसे बन जाएंगे, तो मेरे भाई इस बात का जवाब मैं आपको एक सुपर पावरफुल पॉइंट से देना चाहूंगा, और वो क्या, ये है जो भी लो मार्केट कैप के कॉइंस है, यदि उस कॉइन का प्रोजेक्ट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर उसका यूज केस बहुत सुपर लेवल का है, या फिर उसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में मेरे भाई इस लो कैप कॉइन के अंदर 2x भी मनी बनता है, 5x भी बनता है, 10x भी बनता है, 50x भी बनता है, 100x भी बनता है। अब इस बात का एक और सेकंड रीजन देना चाहूंगा, और वो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे भाई, क्रिप्टो कॉइन्स का जो मार्केट कैप है वो एक साथ ही हाई कैप नहीं बनता है, नहीं एक साथ वो मिड कैप बनता है। कभी यदि कोई कॉइन मार्केट में आया होगा तो फ्रेंड्स वो लो कैप में भी था, जैसे कि एग्जांपल के लिए XRP, LTC, मैटिक, सिबा। अब ऐसा तो नहीं है कि जब ये कॉइंस मार्केट में आए थे तब सीधा ही हाई कैप में या मिड कैप के अंदर चले गए थे, नहीं मेरे भाई, कभी तो इनका भी मार्केट कैप कम में था, यानी कि लो कैप में था, यही चेंज होकर मिड कैप में आया, फिर यही चेंज होकर हाई कैप में आया। तो मेरे भाई मैं यही तो बात आपको समझा रहा हूं कि यदि समय के साथ में हमारे को एक बेस्ट लो कैप कॉइन मिल गया तो उस बेस्ट लो कैप कॉइन से बुल रन के अंदर 10x से 100x बना पाना अकेले है। तो मेरे भाई अब आपके दिमाग को एक और सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार वो कॉइन्स कौन से हैं? तो मैंने यहां पर 2024 के लिए 5 ऐसे टॉप लो कैप कॉइन्स निकाले हैं जिनके अंदर मेरे अकॉर्डिंग यह चीज देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इनको 2 कैटेगरी में बांटा है, एक तो वो जो कि 2021 में यहां पर पहला बुल रन देख चुके हैं, और एक वो जो कि अब 2024 के अंदर अपना पहला बुल रन देखेंगे। तो 2021 के जो 3 कॉइन्स है XECE Cash, EMJ इंजन कॉइन, फ्लोकी इनू, फ्रेंड्स ये 3 वो कॉइन्स है जो कि 2024 के अंदर भी हमारे को एक बहुत बड़े लेवल की रैली दिखा सकते हैं। वही यहां पर सुई और पेपे 2 ऐसे कॉइन्स हैं जो 2024 के अंदर नेक्स्ट लेवल पर एक नेक्स्ट ताबड़तोड़ रैली दिखा सकते हैं। अब मेरे भाई 2024-25 के लिए जो मेरे टारगेट्स हैं इन 500 कॉइन्स के लिए वो 50x से 100x के बीच की है, याद रखिएगा ओनली DCA करते हुए आगे चलना है। साथ ही में मेरे अकॉर्डिंग इनका जो लो कैप मार्केट है वो बहुत जल्दी मिड कैप मार्केट के अंदर बदल सकता है। तो इस प्रकार से आज का यह सुपर पावरफुल नेक्स्ट लेवल का लॉन्ग टर्म वीडियो है,
उम्मीद करता हूं कि आपने आज से पहले ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। और अब मैंने आपको जो भी बात इस वीडियो के अंदर बताई है वो फ्रेंड्स एजुकेशनल तौर पर दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति यदि इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो खुद की रिसर्च जरूर करे, साथ ही में कॉइन कॉल एक्सचेंज के ऊपर एक्शन लेना भूलना मत। और यदि अब आपको वीडियो रत्ती पर भी पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय, टेक केयर।